हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेमत और आज की रेसिपी है कीमे वाला कबाब। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम मसाले से, अपने जो किचन शेल्फ पे मसाले होते हैं उन्हीं से ये तैयार किया गया है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आपके पास 250 ग्राम मटन है तो ये रेसिपी आज ही आप तैयार करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। कबाब बनाने के लिए यहाँ पर हमने 300 ग्राम मटन कीमा इस्तेमाल किया है। ये कीमा हमने अपने घर में तैयार किया है। घर में बनाने से ये साफ सुथरा और कचरा फ्री कीमा तैयार होता है। 7-8 बोटियां मटन की लेकर इसे चॉपर में बना लेने से बहुत ही अच्छा इस तरह का कीमा बन जाएगा। अब इसमें हम डालते हैं 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून भुने जीरे का पाउडर ले लें और एक मीडियम साइज प्याज को बिल्कुल चॉप करके डालें। इसमें पानी ना रहे ऐसा कोशिश करें, और अगर प्याज ने पानी छोड़ा है तो उसे नैपकिन से दबाकर सुखा लें। अगर आप कीमा घर में बना रहे हैं तो गोश्त को पहले धो लें, उसके बाद कीमा बनाएं, और अगर आपने बाहर से कीमा लाया है तो उसे धो लें और उसका कबाब बनाने से 4 घंटे पहले कम से कम धोकर उसे छान लें और सुखा लें। अगर ज़रूरत हो तो उसे नैपकिन से दबाकर सुखा लें। अब यहाँ पर एक मिर्ची हमने कटी हुई डाली है, आप अपने हिसाब से तीखा इस्तेमाल करें। 2 टेबल स्पून यहाँ पर हम कच्चा बेसन इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से लोग भुने सत्तू का भी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर मैं ये कच्चा चने के दाल का आटा या जिसे बेसन कहते हैं वो मैंने इस्तेमाल किया है। 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 2 पिंच हल्दी पाउडर, 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर। ये गरम मसाला पाउडर हमारे चैनल पर मौजूद है, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप इसे ज़रूर देख लेना, बहुत ही टेस्टी ये गरम मसाला है। 1/2 टी स्पून मिंट पाउडर, ये ड्राई मिंट लीफ से बनाया हुआ पाउडर है, रेडीमेड है, आप यहाँ पर हरी धनिया की पत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टी स्पून प्योर घी, अच्छी सी इसकी स्मेल के लिए, और थोड़ा सा नींबू का रस। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के लिए खूब अच्छे से हाथों को धो लें। अब इसे खूब अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है। इसे इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसके रेशे रेशे में मसाले का मज़ा पहुंच जाए। इसे उंगलियों से नहीं बल्कि मुक्की से गूंथना है ताकि ये खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और कहीं पर भी मसाला पहुंचे बगैर ना रहे। दस मिनट इसे गूंथ कर छोड़ देना है। ये बिल्कुल चिकना सा आटे जैसा हो चुका है। अब इसे थोड़ी देर तक 5-10 मिनट हम रेस्ट पर रखेंगे ताकि मसाले का मज़ा हर जगह पहुंच जाए। अब 10 मिनट बाद मैंने एक लोई इसे तोड़ लिया है और इसे दोनों हाथों से दबाकर गोला बनाएं ताकि बिल्कुल डेंस हो जाएगी, और फिर उसे थोड़ा सा लंबाई दे दें। इस तरह से आपका कबाब किस साइज का होगा ये उस बर्तन पर डिपेंड करता है जिसमें आपको इसे फ्राई करना है। तो अगर आपका फ्राई करने वाला फ्राइंग पैन बड़ा है तो आप ज़्यादा लंबे और मोटे बड़े कबाब बना सकते हैं, लेकिन अगर छोटा फ्राई पैन है तो आप मीडियम साइज के कबाब बनाएं जो एक पोर्शन हो, एक आदमी के लिए काफ़ी हो।
तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे कबाब बनाने वाली हूँ। अब इसमें कबाब का होल बनाने के लिए मैंने इसमें एक स्टिक डाली है, ये और कुछ नहीं है, ये चाइनीज स्टिक है जिसे चाइनीज खाते हैं। आपके पास अगर ये नहीं है तो इस स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं या बच्चों की पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे दबा दबा करके बनाना है और फिर इसे आहिस्ता से खींच लेना है। तो देखिए ये कबाब की सीख की तरह इसमें होल बन गया है और अब आप इसे तल सकते हैं। तो इसी तरह से मैं इन सारे का कबाब बना लेने वाली हूँ। अब एक पैन में मैंने तेल को गर्म कर लिया है और उसमें अब अपने कबाब को डालते जाना है। मैं यहाँ पर डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा बड़ा पैन है तो इसमें बहुत तेल डालना होगा। इसे मैं आहिस्ता आहिस्ता पलट कर सेक लूँगी। अब इसे कुछ देर तक बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है और फ्लेम को मीडियम रखना है। अब एक मिनट का वक्त गुजर चुका है तो इसे हल्का सा पलट लेते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से कसा कसा हुआ ये हमारा पीने का कबाब तैयार हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से हमारा सीख कबाब बन रहा है, बड़े ही आराम से। और अभी लगभग 5 मिनट से कम ही वक्त गुजरा है। मैं इसे घुमा घुमा कर चारों तरफ से सेक रही हूँ ताकि ये बाहर से क्रिस्प हो जाए। अंदर से ये बहुत ही मॉइस्ट बनता है और इसे बनाने में कोई तकलीफ भी नहीं होती। लेकिन जो लोग पहली बार अपना लक ट्राई कर रहे हैं कबाब बनाने में, अगर उनसे ना बने तो घबराने की बात नहीं है। इसे चपटा करके आप पैटीज कबाब बना सकते हैं, टेस्ट बिल्कुल वही होगा। तो दोस्तों मैंने फ्लेम को तेज कर दिया है और आप देख सकते हैं कि ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसे सर्व करने के लिए अब हम रेडी करते हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो दोस्तों ये कीमे वाला सीख कबाब बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकते हैं, डेली खाने पर अपनी या आप दावत कर सकते हैं। तो इसे बनाएं, खाएं और खिलाएं, और अगर पसंद आए तो हमारे साथ अपने अनुभव शेयर करें। आप देख ही रहे हैं ये कितना लाजवाब, कितना बेहतरीन, कितना यमी बना है। और अगर आप इसे तोड़ कर देखना चाहें तो मैं इसे आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितना बेहतरीन तैयार हुआ है, कितना सॉफ्ट, कितना मॉइस्ट। तो हमें इजाजत दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।